क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दीजिएगा। 12 में आपको दिया हुआ है कि वर्टेक्स, वर्टेक्स दिया है, ध्यान दीजिए। गिवन क्या है, वर्टेक्स क्या है, प्लस माइनस 6 कोमा क्या 0, ध्यान दीजिए दो यहां पर। और फुकाई दिया हुआ है ट्वेल्थ, और शुरू में उसमें ट्वेल्थ बोला था जब आया था। चलिए ट्वेल्थ नहीं तो हम 20 बताते हैं, 20 ध्यान दीजिएगा। 20 में कह रहा है कि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स, मेजर एक्सिस ऑन द, ध्यान दीजिए जी, क्या है इसमें गिवन है कि जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ है, एक्स पर, ऑन द एक्स पर है, ये गिवन कह दिया है। यानी एक्स पर है मतलब यही चीज है, नहीं डायग्राम यानी इक्वेशन नहीं जाएगा, ही जाएगा। और साथ में कह रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट जो हम लोगों ने अभी किया है, जैसे सी और एफ पॉइंट को पास कराया हमने, लेंथ ऑफ वेक्टर निकाला हमने लेंथ का, वो चीज यहां कर रहा है कि पास थ्रू थ्रू क्या, तो 4.3 एंड 6.2, ध्यान दीजिएगा 6.2 वहां पर 3 माइनस 10 होगा, कहां पर, इधर बी का कोऑर्डिनेट सर, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बी नीचे, नहीं वो कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी ये, हां यहां माइनस रहेगा, बात कर दिया नहीं, बी तो पॉजिटिव रहेगा, क्वार्टर लिखा था हमने, क्वार्टर नहीं, अरे क्या हमने लिखा है 3 माइनस 10 हो जाएगा, ये हमने लेटेस्ट लेटर एक कोऑर्डिनेट जो लिखा था F2 का लिखा हुआ है, F2 का है सर, जगह नहीं जाती है कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, जगह नहीं ना, F2 का कोऑर्डिनेट को यहां F1 का कोऑर्डिनेट यहां लिखा हुआ है, ये B के थोड़ी कोऑर्डिनेट लिखे हम बोला B से क्या लेना है मैंने, अब B का लेंगे तो 0 क्यों आएगा, B का लेंगे तो 0 क्यों आएगा, है ना, फिर वो ये ले आएगा ना, अब भले ही ये लिखे आ रहा है तो माइनस में आ जाएंगे, माइनस से यहां आता ये वाला माइनस प्लस देता, ध्यान दीजिए। आइए तो क्या करेंगे, जब हम लोग बनाएंगे इसका डायग्राम, ये लीजिए ये नहीं बनाएगा जी, क्योंकि एक्स को बन रहा है, वो एक्स को बन रहा है सिमेट्रिक टू एक्स है, और ये आप दिखा दीजिए कि अगर ये कौन है तो क्या ये F2 है, ये V है तो V2 है, क्या है बी, आप कहीं भी B1 B2 को दिखते हैं, हमने कहा कि B1 इसको काट जरूरत थोड़ी है, B1 इसको कह दो, B1 इसको कह दो, तो दिखते हैं इधर नहीं, जब मैं B1 इशू करते इसको इवेंट दे रहे फर्स्ट वर्टेक्स नहीं तोड़े फर्स्ट वही बन सकता है, ठीक है। आइए ये पॉइंट कह रहा है तो ये बताना है, ये एक जो पॉइंट दिया हुआ है इस एलिप्स पर, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये दोनों ही पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, दोनों फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये बताना है अभी सिद्धार्थ को, इसलिए कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करेगा, आप क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एकदम सही है, क्योंकि दोनों ही क्या है प्लस में है ना, तो 4.3 4s का वैल्यू है ना, 4s का वैल्यू है तो कुछ इधर होगा, यहां मान लीजिए ये, और 6 की बात है तो 6 इधर आएगा ना, तो मान लीजिए यहां पर है, बात समझ रहे ना, यस पहले ये आएगा फिर बाद में समझना, उल्टा पुल्टा मत लेना, अरे आंसर तो आ ही जाएगा बट फिर भी इसमें दिखाना है ना आपको है कि 4 का मतलब क्या, 4x का वैल्यू 4 तो पहले होगा, 6 भी x का वैल्यू 6 बाद में आएगा, है ना, इसलिए इतना हमने दिखाया है। मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट क्या ले लिया हमने बी, आइए हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला लिखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल इक्वेशन और किसका एलिप्स क्या होता है, एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो हमने यहां काम किया था पास करा, तो यहां भी पास करवा देना है,
कैसे? तो लिखिए कि पासेस थ्रू पॉइंट, पॉइंट ए एंड क्या बी, हम नाम दे दिया है एंड बी, देयरफॉर अब क्या बनेगा? तो फोर सिंपल पास करते हैं तो फोर डी स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर अब प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर इक्वल टू वन, 16 अपॉन ए स्क्वायर अब प्लस 9 अपॉन क्या बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये चीज याद था? यस। लेकिन यह जनरल फॉर्म में था, सी था एल था, यहाँ पर रिमेल्स रहते हैं उससे ज्यादा आसान होगा। आइए क्या करें इसमें, हम एलसीएम ले लीजिए 16 बी स्क्वायर। चलिए तो एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या सेम आएगा ए स्क्वायर, अगर एलसीएम ना मिले तो भी काम चल जाएगा, ले लेंगे छोड़ दें आप मुझे, अगर ये छोड़ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बात खुद करेंगे फिर आप एलिमिनेट को जिम करके नहीं समझ आया छोड़ दिए। आइए सुनिए ना, जब ये फर्क हो गया जान लिया, अब उसके पास करिए तो क्या हो जाएगा, सिक्स डी स्क्वायर अपन क्या ए स्क्वायर अब प्लस वाई कितना है टू ए स्क्वायर अपन क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो कितना हो जाएगा 36 अपन ए स्क्वायर अब प्लस क्या फोर वन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। सर हाँ ये बदतमीजी कर रहा है, कौन कर रहा है जी, एक लेवल कर रहा है जी नानी जी। बात अब इन दोनों को इसमें दो वेरिएबल है ए और बी, यहाँ भी ए और बी, अब दो इक्वेशन हमारे पास है तो सॉल्व तो कर सकते हैं एकदम सर। आप टेंथ में जो पढ़ चुके हैं एलिवेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों को भी एक अप्लाई कर दीजिए, और हम ऐसा लगता है कि एलिवेशन ज्यादा आसान होता है ना, तो देखिए ना यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें कि कोई इक्वल आ जाए इन दोनों में किसी एक क्वेश्चन को, या तो ये वाला या ये को या बी को अप्लाई करनी है इक्वल करना है, तो साफ दिख रहा है कि अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें नहीं बस तो है ना मल्टीप्लाई लिख दें या हम गाइड हम यहाँ मैं करता हूँ। आइए इक्वेशन फोर्ट मल्टीप्लाई में कितना और थ्री टू फोर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ये थर्ड है 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जी माइनस 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 क्यों जाएगा माइनस गया, और ये 3 2 4 माइनस डाल दूं 64 अपॉन क्या ए स्क्वायर आएगा नहीं ना, इसको इसको डालिएगा फिर से लीजिएगा दोनों में डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है और इक्वल टू स्क्वायर क्या है इक्वल टू क्या 94 का कितना 5 ए स्क्वायर इक्वल टू, चलिए इसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 260 सर 260 बचा सर ठीक है अपॉन इक्वल टू कर दीजिए 5 ए स्क्वायर तो 260 अपॉन कितना 5 अपॉन इक्वल टू क्या ए स्क्वायर। आ गया बोलेगा ना मेरा फ्रैक्शन में आ गया था सर। अच्छा तो 5 काटिए हाई पार्ट जा 25 से 25 24 सर और 2 जा अच्छा क्या यस सर ये लो जी ये स्क्वायर की वैल्यू आ गया कितना गया है तो जब ये स्क्वायर क्या आ गया है तो किसी एक में क्या करना है पुट इन मध्य फर्स्ट में करो ज्यादा आसान रहेगा फर्स्ट में करिए या और सेकंड जान करिए अरे थर्ड फोर्थ में करेंगे तो भी हम सारा आएंगे तो बड़ा हो जाएगा ना तो आप फर्स्ट या सेकंड में पुट दीजिए अगर बी निकल जाएगा जब बी निकल गया तो फिर क्या पुट करना है यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुआ है या पुट कर दो
बेस की जो वैल्यू आएगी वो भी आप पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन हो गया खत्म हो गया।